गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्ड ईयर के लिए स्पेशली कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो प्रशासन में यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कैसे आप नियंत्रण कर सकते हो, स्पेशली व्यवस्थापिका से रिलेटेड, कार्यपालिका और न्याय, तो इन सब हम कैसे मतलब एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम से देख रहे हैं, अलग है एग्जीक्यूटिव का अलग है और जुडिशियल सिस्टम का अलग है, कैसे इसको मैनेज करके रखना होता है, आज इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले डेलीगेशन लेजिस्लेटिव, इसका जो टॉपिक है वो प्रदत्त विधायन है। डेलीगेशन यानी कि डेलीगेशन का मतलब होता है हम जो कानून बनाते हैं उनका भार, उनका उनकी थोड़ी सी ड्यूटीज़ जो वर्क होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि किसी अदर जो सिस्टम है या जो डिपार्टमेंट है उनको बता देना या उनके थ्रू कानून करवाना। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, संसद का काम होता है कानून बनाने का, लेकिन संसद क्या करती है अपना भार कम करने के लिए, यानी कि जब उसके पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो अपने लॉ को क्रिएट करने वाला जो वर्क होती है, जो ड्यूटीज़ होती है, वो थोड़ा सा उनको डेलीगेट कर देती है, यानी कि कार्यपालिका को दे दिया, लेजिस्लेटिव को दे दिया। तो लेजिस्लेटिव भी ऐसा ही करती है, वो अपने कुछ कार्य कार्यपालिका को दे देती है। तो ऐसे में वो कितने ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो सकते हैं, क्या वो बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, वो मतलब क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या हानियाँ होती हैं, इसी बीच में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि प्रदत्त विधायन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव। तो प्रदत्त विधायन का अर्थ होता है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को दी गई कानून निर्माण की शक्ति। चूँकि कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल की होती है, यानी कि जो सिस्टम होता है पूरा प्रॉपर रूप से कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर होता है, लेकिन अपनी राजनीति व्यवस्थिता जो पॉलिटिकल बिजीनेस होती है उनमें, पॉलिटिक्स वाली जो बिजीनेस होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बिजी होते हैं वो लोग, बहुत एक्स्ट्रा काम होता है और अन्य बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, अन्य बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो समय न दे पाने के कारण यह अधिकार कार्यपालिका को हस्तांतरित करते हैं, यानी कि डेलीगेट कर देते थे। तो ऐसे को हम प्रदत्त विधायन बोलते हैं, यानी कि प्रदत्त विधायन जब लेजिस्लेटिव पूरी तरीके से किसी अदर्स काम में प्रेशर्स होता है उसका, या फिर वो कोई अदर काम ज़्यादा करती है, उसके पास लॉ बनाने का, लॉ क्रिएट करने का उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो ऐसे में वो किसको देती है, कार्यपालिका को डेलीगेट करती थी, इसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है नीड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, क्यों नीड पड़ती है, क्यों आवश्यकता होती है हमें प्रदत्त विधायन की, यानी कि अपने काम को डेलीगेट करने की एग्जीक्यूटिव में या जुडिशियल में। देखिए सबसे पहले संसद के कार्यों में वृद्धि। संसद में क्या होता है, आपको खाली लॉ बनाने का ही वहाँ पे काम नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं अमेंडमेंट करने के, बहुत सारे ऐसे विधेयक बिल प्रोसेसर वहाँ पे रखने के, उन पर डिस्कशन करने के, सेशन चलवाने के। तो ऐसे में संसद के जो लेजिस्लेटिव का जो काम होता है छोटे छोटे रूल क्रिएट करना, तो ऐसे में वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आवश्यकता होती है कि हम अपना जो भार है, जो हमारा प्रेशर है किसी भी काम का, उसे थोड़ा सा डेलीगेट करें, यानी कि किसी अदर डिपार्टमेंट को ये काम सौंपें। तो यहाँ पे संसद के कार्यों में जब भी वृद्धि होती है या ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो एक इसकी डेलीगेशन की हमें आवश्यकता होती है। दूसरा यहाँ पे विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है या एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, स्पेशली फील्ड वर्क के अधिकारी होते हैं, तो वहाँ पे स्पेशल रूप से उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है कि आप कैसे वहाँ पे रूल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। एग्जीक्यूटिव में सारे आपके छोटे बड़े मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी, ऑफिसर्स, गजेटेड ऑफिसर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं, तो ज़्यादातर इन्हें फील्ड की नॉलेज होती है, और फील्ड के बेस पर उन्हें कौन कौन से वहाँ पर रूल क्रिएट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, उनकी ज़्यादा नॉलेज की वजह से भी उनको डेलीगेशंस अथॉरिटी दी जाती है, डेलीगेट किया जाता है बहुत सारी चीज़ें उनको। तीसरा यहाँ पे कानूनों में परिवर्तन। जब भी हम कोई भी लॉ क्रिएट करते हैं उनमें हमें मतलब चेंजेबल लाना होता है, चेंज करना होता है, तभी हम डेलीगेट कर देते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे डेलीगेशंस की आवश्यकता पड़ती है जब भी हम कानूनों में चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है विपरीत परिस्थितियों में उपयोगी। विपरीत होती है यानी कि बहुत सारी ऐसी मतलब अपोजिट या अपोजिट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें डेलीगेशन लेजिस्लेशन की नीड होती है, तो ऐसे में हम क्या अगर हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो डेलीगेट कर देते हैं, या कार्यपालिका डेलीगेट करना चाहे तो वो जुडिशियल सिस्टम को डेलीगेट कर सकती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में बहुत हद तक बहुत मतलब एक्सपीरियंस ऑफिसर्स होते हैं, तो वो अच्छी तरीके से अपना काम वहाँ पे मतलब मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से विपरीत परिस्थितियाँ, जैसे कभी भी इमरजेंसी हो जाती है या कि ऐसे में कि सेशन नहीं चल रहा है, कानून नहीं बन पाएंगे, विपरीत अगर संसद, देखिए कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, तो संसद में ही वो बिल की तरह पास होता है, उस पर बहस होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कानून का सत्र जो सेशन है वो नहीं चल रहा है और वहाँ पर नीड होती है बनाने की, कानून बनाना है, तो वहाँ पर एक अध्यादेश बनता है, इमरजेंसी के लिए कानून बनता है, तो वहाँ पर डेलीगेशन लेजिस्लेटिव का काम होता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है उनकी आवश्यकता। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन लेजिस्लेशन, कि प्रदत्त विधायन के लाभ क्या होते हैं, कि जब हम अपना काम या अपने रूल बनाने का जो भी ड्यूटीज़ हैं वर्क है जब हम डेलीगेट कर देते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या होता है। देखिए प्रदत्त विधायन के समय की बचत के साथ साथ काम भी समय पर हो जाता है, यानी कि अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव यानी जो संसद है वहाँ पे कार्यभार उसके पास ज़्यादा है तो ऐसे में वो मतलब टाइम टेबल के अनुसार वहाँ पे उसको पेंडिंग नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो क्या करेगा, अगर वो अदर काम कोई कर रहा है तो इस तरह के कामों को वो डेलीगेट कर सकता है, ताकि एक ही समय पर दो तरह के काम अपना कंप्लीट हो जाए, वहाँ पे समय की भी बचत हो और वहाँ पे काम भी टाइम से हो जाए। कार्यपालक को जो प्रदत्त विधायन से कानून निर्माण की जो शक्ति प्राप्त होती है उससे कानून बनाने में सरलता आ जाती है, क्योंकि कानून का भार दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि कानून क्या होता है भाई, कानून बनाने का अगर जब एक ही बंदे पर या किसी एक ही डिपार्टमेंट पर प्रेशर आएगा तो वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, तो ऐसे में अगर दो बॉडीज़ काम करती हैं कानून बनाने पर तो वहाँ पर ज़्यादा हेल्प होती है। उसके साथ साथ ही कार्यपालिका कानून बनाने का काम बखूबी पूरा करने में सक्षम हो जाती है, इससे संसद में भी बहुत से कार्य समय पर समाप्त हो जाते हैं। संसद में बहुत सारे ऐसे लंबित पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं वर्क, जो अगर डेलीगेशन लेजिस्लेशन का प्रयोग किया जाए या डेलीगेटेड वर्क को डेलीगेटेड किया जाए तो बहुत हद तक समय समय पर काम कम्प्लीट हो जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब इसके प्रॉफिट भी होते हैं, जिनको एडवांटेज देने के लाभ होते हैं, जिनको क्यों ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमें इस तरह के काम हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट हैं डिसएडवांटेज। देखिए इसमें डेलीगेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि किसी कोई भी सिस्टम 100% श्योर नहीं होता है कि आपको बिल्कुल मतलब वहाँ पे सब कुछ ठीक ही होगा, तो वहाँ पे कुछ हानियाँ भी हो जाती है डेलीगेशन से। कभी कभी नीति मामलों में अतिरिक्त अत्यधिक महत्व के मामले भी संसद कार्यपालिका को सौंप देती है, जबकि नीति निर्धारण संसद का कार्य होता है, तो ऐसे मामलों में सरकारी अधिकारी जनता की सुविधा और इच्छाओं की उपेक्षा करते हैं। कार्यपालिका जब कानून निर्माण का कार्य करती है तो उसमें लचीलेपन की गुंजाइश अधिक रहती है, जिससे कानून सही तरीके से नहीं बन पाते। देखिए सबसे बड़ी हानि यहाँ पे ये होती है कि कभी कभी जो लेजिस्लेटिव होती है, जो संसद होती है, तो स्पेशल जो वर्क होते हैं जो मतलब वही कर सकती है, संसद ही कर सकती है, जैसे किसी भी स्टेट का निर्माण करना, किसी भी स्टेट को मतलब डिवाइड करना, ये सब काम सिर्फ संसद कर सकती है, उसके पास पावर है किसी अदर के पास। लेकिन अगर इस तरह के काम भी वो एग्जीक्यूटिव में दे देती है तो ऐसे में वो मतलब उनके लिए कानून के संबंध में फ्लेक्सिबल कानून बना देते हैं, कि अगर आप अपने कानून बनाए तो वहाँ पे लोगों को पसंद आए तो वो प्रोटेस्ट करके उस कानून को हटाने की मांग कर देते हैं, या ज़्यादा लंबे समय तक वो कानून बन नहीं पाते हैं, या यूँ कहें कि ज़्यादा लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर आप इतने स्ट्रिक्टली बना नहीं पाते हो, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं डेलीगेटेड डेलीगेशंस में, तो यहाँ पे इसलिए होता है थोड़ा सा। तो आज के इसमें पूरे टॉपिक में हमने यहाँ डेलीगेशंस को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया है, तो पूरा प्रॉपर रूप से डेलीगेशंस क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं होता है, ये दोनों तरीके से वहाँ पे देखा जाए। डेलीगेशंस होगा तब भी ज़रूरी है, डेलीगेशंस होना भी ज़रूरी है, लेकिन डेलीगेशंस ओवर हो जाए मतलब आप अपने मेन काम भी उसको डेलीगेट करके दूसरे डिपार्टमेंट को सौंपते रहो तो वो भी बहुत हार्मफुल होता है। तो आज के टॉपिक में ये इतना ही है, थैंक यू।